Hello students, in this video we are going to start the second chapter of biology for class 7, that is nutrition in animals. So students, we are going to take a look at how animals have their food. So first of all, we have to clear some surrounding matters, just like animals feeding kahan se karte hain, kiske upar depend hote hain feeding ke liye, then nutrition unhe kaise milta hai unke food se, और उसका वो यूटिलाइज अपने बॉडी में कैसे करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज से उन्हें जो फूड मिल रहा है उनको अपने बॉडी में यूटिलाइज करना है, उसके न्यूट्रिएंट्स को लेना है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेंदी है बट टफ नहीं है, दैट मीन्स कि ये चैप्टर थोड़ा आपको लेंदी लगेगा बट ये टफ नहीं है। सो स्टार्ट स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे डिपेंड हैं किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीडिंग के लिए। और जो प्लांट बॉडी है, इस चैप्टर में हमें प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना ही होगा। जैसे कि प्लांट बॉडी है, वो प्लांट बॉडी कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते फीडिंग के लिए, बिकॉज दे मेक देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपने इक्वेशन भी देखा है, जो प्लांट हैं उन्हें किसी एनिमल्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है फीडिंग के लिए, बिकॉज उन्हें जो भी चीज़ें खाना बनाने के लिए चाहिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ओके, प्रोड्यूसर्स भी उन्हें कहा जाता है। तो अपना खाना जब वो बनाते हैं तो उन्हें जिन फैक्टर्स की, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन्हें इन्वायरमेंट से मिल जाती है। वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में, हमारे एटमोसफेयर में अवेलेबल है और आसानी से उन्हें मिल जाती है। जस्ट लाइक वो, उन्हें लाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, लाइट के ही प्रेजेंस में, सनलाइट के ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स, ओके। सो लाइट जो चाहिए उन्हें सन से मिल जाता है, CO2 चाहिए सो उन्हें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, H2 वाटर चाहिए तो उनके रूट हेयर्स जो होते हैं जाइलम टिश्यू तक प्रोवाइड करता है स्वेल से लाके, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है उनके पास ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो वो आउट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, बट ग्लूकोज का वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उनके ग्लूकोज को, यानी प्लांट्स के अंदर जो फूड बनता है उसको हम सब, यानी कि जितने भी एनिमल्स कैटेगरीज हैं उसके ऊपर डिपेंड होती हैं। प्लांट्स के ऊपर सारी एनिमल्स प्रजातियां, एनिमल्स डिपेंड होते हैं फीडिंग के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एनिमल्स के फीडिंग के बेसिस पे, एनिमल्स के सोर्स ऑफ फीडिंग के बेसिस पे, सोर्स ऑफ फूड के बेसिस पे एनिमल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड अप कर दिया गया है, और आज हम इन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। सो पहला जो कैटेगरी है वो है हमारा हर्बीवोर एनिमल्स का, हर्बीवोरस एनिमल्स, जिनको हर्बीवोर्स कैटेगरीज में रखा गया है। सो हर्बीवोरस कैटेगरी में वैसे एनिमल्स आते हैं जो फुली ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं फीडिंग के लिए। उन्हें अगर ग्रीन प्लांट ना मिले तो वो कुछ भी ना खाएं, दैट मीन्स दे फुली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फीडिंग। सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स एंड दे कम अंडर द ग्रुप ऑफ हर्बीवोर्स। द सेकेंड वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कैटेगरीज वैसे एनिमल्स की है जो फुली डिपेंड होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीडिंग के लिए। वो कभी किसी दूसरे एनिमल्स को ही मार के खा सकते हैं, वो कभी प्लांट को नहीं खा सकते। ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। जो थर्ड है वो है हमारा ओमनीवोरस एनिमल्स, दैट मीन्स कि ओमनीवोर कैटेगरी में वैसे एनिमल्स आते हैं जो बोथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फीडिंग के लिए। दैट मीन्स कि अगर उन्हें मिलता है तो प्लांट भी खाएंगे और वो फ्लैश एंड मीट से भी अपना काम चला सकते हैं। तो वैसे कैटेगरी के एनिमल्स को ओमनीवोरस एनिमल कहा जाता है। अब तक तो आपने ये देखा कि एनिमल्स अपना फूड कैसे लेते, दैट मीन्स उनके एक्सटर्नल सोर्सेज को आपने देखा, बट अब हम देखेंगे उनकी इंटरनल उस प्रोसेस को कि कैसे वो उस फूड से, जिसको उन्होंने एक्सटर्नल सोर्सेज से अपने अंदर लिया, उस फूड से उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ये सारी चीज़ें ये चैप्टर जो है हमें बताएगा, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। सो पहले स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। उन्होंने फूड तो ले लिया अपनी बॉडी में, बट अब इस न्यूट्रिशन को, मतलब उस फूड से न्यूट्रिशन कैसे उन्हें मिलता है, ये कुछ स्टेप्स में होता है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि उन्होंने खाना खाया और उन्हें न्यूट्रिशन मिल गया। कुछ प्रोसेस उनके बॉडी में होता है, उनका बॉडी कुछ प्रोसेस करता है, फिर उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है अपने फूड से। सो इन एनिमल्स न्यूट्रिशन इज कैरीड आउट इन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन मिलता है एनिमल्स को। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं, वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन,
assimilation and thereafter ejection. So students, ingestion जो है, ये ingestion सबसे first process है. ये वो process है जिसमें animals सबसे पहले food को अपने mouth में लेते हैं. So the process of intake of food is called ingestion. The second one is digestion. That means कि ingestion तो हो गया, उन्होंने food को अपने mouth के अंदर enter तो कर लिया अपने body में, but अब digestion होगा. That means कि the indigested food is first broken down into smaller and simpler compounds. This process is called digestion. अब उनके अंदर digestion भी हो चुका,